खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी एक योद्धा ने जिस तरह का धमाल सोशल मीडिया पर मचाया हुआ है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि ये इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। आपको बता दें कि वैसे भी खेसारी लाल यादव की इस साल में सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई है, कुली नंबर वन, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है, साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी लोगों को बहुत पसंद आया है। अब लेकिन बात अगर बागी की जाए तो बागी भी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो फिल्म काफ़ी अलग है। आपको ये बता दें कि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। उन्होंने इस फिल्म में कुछ सीन ऐसे दिए हैं जो आपको बॉलीवुड फिल्मों की याद दिला देंगे। लेकिन खेसारी की फिल्म बागी दे सकती है पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह को जबरदस्त टक्कर। जी हाँ, लोगों का मानना है कि हो सकता है कि बागी भारी पड़ जाए शेर सिंह पे। जिस तरह से शेर सिंह के ट्रेलर ने एक दिन में सिर्फ 15 लाख व्यूज हासिल किए थे, तो उसी तरह आप दूसरी तरफ देखने जाएंगे तो खेसारी लाल यादव की बागी फिल्म ने एक दिन में 3.7 यानी कि 37 लाख व्यूज हासिल किए थे, जो कि शेर सिंह के व्यूज से दुगुना है, या यूं कह ले दुगुना से भी ज्यादा है। पहले सुनने में आ रहा था कि दशहरे के मौके पर ये दोनों फिल्में एक साथ टकराएंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दशहरे के मौके पर सिर्फ बागी अकेले रिलीज और शेर सिंह आगे रिलीज होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि छठ के मौके पर शेर सिंह रिलीज हो सकती है, क्योंकि इसकी रिलीजिंग डेट अभी सामने आई नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर ये फिल्म दशहरे पर रिलीज नहीं हुई तो हो सकता है कि आगे रिलीज हो जाए। यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बागी के गाने को भी आप देखेंगे कि बागी के जितने गाने हैं उसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही साथ पवन सिंह और आम्रपाली की जोड़ी पहली बार किसी फिल्म में एक साथ आ रही है, लेकिन इस फिल्म को उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फिल्म के गानों को भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पवन सिंह के तरकश में अभी कई ऐसे तीर बाकी हैं। आपको बता दें जो कि भोजपुरी की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसका बजट तकरीबन 10 करोड़ का है और इसमें आपको कई हीरोइनें देखने को मिलेंगी। पवन सिंह के साथ इस फिल्म में आपको कई हीरोइनें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि फिल्म बॉस से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसके लोकेशन की बात कर लेंगे तो कई जगह ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे फिल्माई गई है। लेकिन फिर बात आती है बागी और शेर सिंह की। जब शेर सिंह और बागी की बात आती है तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि बागी एक योद्धा का इंतजार खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ही जोर शोर से कर रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे दर्शक हैं जो खेसारी, निरहुआ और पवन इन तीनों की फिल्में देखते हैं, या यूं कह लें कि वो अच्छी फिल्में देखते हैं, उन्हें भी फिल्म बागी का इंतजार है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फिल्म बागी अगर रिलीज होती है और शेर सिंह बाद में रिलीज होती है तो किस फिल्म का बिजनेस सबसे हाई होता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।